हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन फ्लोरा। दोस्तों, ये हमारे हाथों में इस समय टिकोमा की बेल, जिसे हम ट्रम्पेट वाइन बोलते हैं, उसके फूलों का गुच्छा है। अब दोस्तों देखो, ये बहुत ऊंचा पौधा आ गया, मेरी छत पर ये पौधा आ गया है। ये देखो दोस्तों, इस तरीके से नीचे से ऊपर आया हुआ पौधा है, इसलिए मुझे छत पर आकर ये वीडियो बनाना पड़ा। ये दोस्तों एक परमानेंट हार्डी क्लाइंबिंग प्लांट होता है, काफ़ी खूबसूरत से इसमें फूल होते हैं ट्रम्पेट के आकार के, जो गुच्छों में खिलते हैं। ये देखो दोस्तों, कितने खूबसूरत से गुच्छों में खिले हुए फूल हैं। और इसको हम हमिंग बर्ड वाइन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमिंग बर्ड्स जो है बहुत अट्रैक्ट होती हैं, और इस वजह से इसे हमिंग बर्ड वाइन भी बोला जाता है। इसका बोटेनिकल नेम दोस्तों कैम्पसिस रेडिकेंस है, क्योंकि इसके जो तने होते हैं दोस्तों, इस तरीके जो स्टेम होते हैं, इन स्टेम से रूट्स निकलती हैं, और रूट्स निकलने के लिए ही इसका नाम क्या दिया गया है, रेडिकेंस नाम दिया गया है। दोस्तों तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ट्रम्पेट के आकार के इसमें फूल खिले हुए हैं, और इसमें देखो दोस्तों बहुत सारी तरीके से चींटियां अट्रैक्ट होती हैं। तो बढ़िया ये रहता है कि इसको आप जो है अगर नीचे ज़मीन में लगा रहे हैं, तो अपनी बाउंड्री वॉल के अंदर के साइड में इसे लगाएं, और उसके बाद में हम इन फूलों को बाहर की तरफ जो है हैंग करने दें, जिससे चींटियां भी घर के बाहर रहेंगी, और बहुत खूबसूरत से फूल खिलते हैं दोस्तों, इसमें बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। अच्छा, एक बात ये भी है कि इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो तभी होती है जब इस तरीके से ये बेल जो है, लता जो है वो हैंग करे इस तरीके से। आपने दोस्तों देखा कि ये जब तक नीचे से ऊपर आ रहा था पौधा, लगभग आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ऊंचाई है इसकी, इस तरीके से लगभग 18 से 20 फीट ऊंचाई हो गई दोस्तों। और जब ये इसकी टिप हैंग करने लगी, तभी जाकर इसमें फ्लावरिंग हुई है दोस्तों। तो जब तक ये हैंग नहीं करते हैं, तब तक इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। ये इसकी खूबी होती है कि मान लो 10 फीट ऊंचे जाएगी या 20 फीट ऊंचे जा रही है, जब तक ये क्लाइंबिंग कर रही दीवार के सहारे, तब तक इसमें फूल नहीं खिलेंगे। और जब इसकी ब्रांचेस ऊपर से नीचे की ओर लटकने लग जाएंगी, तभी जाकर इसमें फ्लावरिंग होती है दोस्तों। बहुत खूबसूरत से इसमें सुंदर से फूल खिलते हैं। इसको फुल सनलाइट पसंद होती है दोस्तों। अगर हम इसमें फ्लावरिंग अच्छी चाहते हैं, तो इसको ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर बहुत अच्छे से धूप आती हो, फुल सनलाइट आती हो दोस्तों, तभी इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये पौधा मेरा ज़मीन में लगा हुआ है, और आप देखो दोस्तों किस तरीके से ये दीवार के सहारे चढ़ रही है, और कितनी सारी जड़ें, कितनी भरपूर मात्रा में जड़ें जो है निकालती हुई आगे बढ़ती है दोस्तों। ये देखो इस तरीके से, ये देखो काफ़ी मजबूत सी जड़ों की पकड़ बनाते हुए ये ऊपर चढ़ती है दोस्तों। ये इस तरीके से ग्रो करती जा रही है। ये तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि वैसे तो बेहतर रहता है कि हम जो है इस पौधे को अगर ज़मीन में लगाएँ तो बढ़िया रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये गमले में नहीं लग सकती है। बस अगर हम ग्रो बैग में लगा रहे हैं इसको, तो ग्रो बैग का साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए। 20x20 का ग्रो बैग हो तो बहुत बढ़िया इसकी ग्रोथ होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे दोस्तों, इसकी आजकल जो है ड्वार्फ वैरायटी भी आती हैं, जो गमले में भी अच्छे से ग्रो करती हैं। ड्वार्फ वैरायटी जो होती हैं, वो 2 से 2.5 फीट ऊँची तक की ही गमले में रहती हैं, और उसमें फ्लावरिंग दोस्तों होती रहती है। तो अगर गमले में लगाना चाहते हैं, आपके पास 14 इंच 15 इंच का गमला है, तब भी बहुत बढ़िया से वो ड्वार्फ वैरायटी ग्रो कर सकती है। और इस वाली नॉर्मल वैरायटी को अगर ग्रो कराएंगे, तो इसके लिए आपको ग्रो बैग का साइज़ या पॉट साइज़ जो है कंपैरेटिवली बड़ा लेना होगा दोस्तों। ये इस तरीके से आप देखेंगे दोस्तों। फ्रेंड्स, ये पूरी गर्मी भर आप देखेंगे इसमें फ्लावरिंग चलती रहती है। आप पाएंगे दोस्तों कि ये लगभग मान के चलो कि फरवरी से रीग्रोथ करता है, और मार्च से लेकर नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग होती ही रहती है। तो मार्च से नवंबर तक फ्लावरिंग होती है। जब एक्सट्रीम विंटर आती है, तो इसकी पत्तियां इस तरीके से अब गिरने लग जाएंगी, इस तरीके से पत्तियाँ गिर जाएंगी, और ये सूखा सा पौधा लगने लग जाएगा इस तरीके से। लेकिन फिर से जैसे ही फरवरी आएगी, इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अगर आप अच्छी इसमें फ्लावरिंग चाहते हैं, तो इसको बस एक बहुत अच्छी ध्यान
में बात रखनी चाहिए कि इसकी ब्रांचेस को हैंग कराना चाहिए। जब हैंग करती हैं तभी इसमें फ्लावरिंग होती है, और समय समय पर हम प्रूनिंग करते रहें दोस्तों। इसमें हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस हाँ अगर गमले में लगा है तो हम इसमें पोटेशियम और फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र को बढ़ा कर रखें। हम इसमें DAP का यूज़ करते रहें समय समय पर वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ में। जैसे 20 एक दिन में हम एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और साथ में हम थोड़े से ग्रेन्यूल्स DAP के डालते रहेंगे तो इसमें बढ़िया से फ्लावरिंग दोस्तों होती रहती है। तो गमले में भी ये बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और उसमें क्या करना होता है कि हमें जैसे गमले में लगा है पौधा तो समय समय पर इसमें हमें क्या करना होगा कि इसकी रिपॉटिंग करते रहना होगा। जैसे हर साल आप मान के चलो इसकी रिपॉटिंग कर देंगे, थोड़ा सा रूट बॉन्डिंग की समस्या नहीं आएगी तो बढ़िया से ग्रोथ होती रहती है दोस्तों। दोस्तों इसके फूलों में कोई खुशबू तो नहीं होती, लेकिन आपने अभी देखा ही था कि किस तरीके से इस पर चींटियाँ और हमिंग बर्ड इसके नेक्टर के लिए अट्रैक्ट होती हैं। तो जो है थोड़ा सा ऐसे जगह पर लगाएं जहां पर इसमें थोड़ा सा ये बाहर की ओर हो, क्योंकि चींटियां बहुत ज़्यादा इसमें आती हैं। बस फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं, ये इस तरीके के खूबसूरत से फूल दोस्तों रहते हैं इसमें। और गुच्छों में लगने वाले ये जो फूल हैं लगभग 5-6 दिनों तक अपने जो है पौधे से लगे रहते हैं, इस तरीके से सूखने नहीं पाते हैं। बहुत खूबसूरत से अलग अलग रंगों की भी आती है, रेड कलर भी इसका आता है, येलो कलर की भी आती है, और ये हमारे पास ऑरेंज कलर की है। तो चाहे जो भी हो कम से कम केयर में ग्रो करने वाली लता है, ज़मीन में तो कोई केयर की ज़रूरत होती ही नहीं है दोस्तों इसकी। और फ्रेंड्स वही है कि ज़मीन में लगी हुई है तो इसको किसी भी तरीके की मिट्टी में लगा दो चल जाती है, चाहे वो पुअर सॉइल हो, बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट की कमी क्यों ना हो, चाहे बहुत ज़्यादा रिच सॉइल हो, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा हो, ह्यूमस बहुत ज़्यादा हो, तब भी ये ग्रो कर जाती है। कोई ख़ास फ़र्क इसको ज़मीन में लगे हुए पड़ता नहीं है, बहुत हार्डी प्लांट होता है दोस्तों। लेकिन वही बात है कि गमले में अगर हमें लगातार फ्लावरिंग चाहिए तो उसको हमें अलग से न्यूट्रिएंट देने ही पड़ते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि इसमें हम वर्मी कंपोस्ट और DAP का इस्तेमाल समय समय पर करते रहेंगे और बढ़िया से इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। तो इस पौधे को आप जो है अगर आपके घर के आसपास में लगा है तो इसको प्रोपोगेट कराना आपके लिए बहुत ही आसान होता है दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, अभी आपको बताया मैंने इस तरीके से, ये जो जड़ें हैं ये स्टेम से निकल रही, देखो ये प्रोपोगेट भी हो रहा है, आप देख रहे होंगे दोस्तों ये इस पार्ट पे। इस पार्ट को अगर हम काट कर कटिंग लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ग्रोथ पकड़ लेगा, और मान के चलिए 20-21 दिन में ऐसी सी स्प्राउटिंग होने लगेंगी। तो दोस्तों आगे हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इसकी जो है कटिंग लगाएं दोस्तों, और पौधा इससे बहुत आसानी से डेवलप हो जाए दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये हमने इसकी कटिंग ले ली है, और इसमें देखो बहुत सारी रूट्स हैं, हर एक जो नोड है इस पर रूट्स हैं, सब आसानी से ग्रो कर जाती हैं। हाँ थोड़ा समय लगता है इसमें, 15-20 दिन के बाद ही इसमें स्प्राउटिंग शुरू होगी, तब तक बस यही ध्यान रखना होता है कि इस कटिंग को कोई हिलाए ना, बीच में अगर कोई हिला देता है या हिल जाती है तो उसमें डेवलप होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। वैसे इसमें रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है, अच्छे से ये डेवलप हो जाएंगी। इस तरीके से हम इसमें पहले छेद कर लेते हैं, हमने पहले मिट्टी में पानी डाल दिया है और उसके बाद जो है इस तरीके से हमने प्लेस किया, थोड़ा इस जगह पर दबा देंगे दोस्तों, हिलने ना पाएँ, और बहुत बढ़िया से तुरंत ग्रो कर जाती हैं ये इस तरीके से। जैसे है हम लेंगे इसका दूसरा वाला भी पार्ट, मैंने दबा दिया क्योंकि उसमें भी रूट्स थी, वो भी ग्रो कर जाएगा, दोनों जगह से जड़ें पकड़ लेगा। ये है इसमें रूट्स हैं, ये अंदर रखा दबा दिया, और ये लास्ट में। तो इस तरीके से बहुत आसानी से इसका प्रोपोगेशन हो जाएगा दोस्तों। ये सारी थी इन्फॉर्मेशन टिकोमा वाइन के बारे में, ट्रम्पेट वाइन के बारे में दोस्तों। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके घर ये पौधा नहीं है तो ज़रूर लगाएं, बहुत ही खूबसूरत सी वेल वाला पौधा है, बहुत ही कम केयर वाला पौधा है दोस्तों। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।